हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वोकैबलरी बूस्टर के लेसन में। मेरा नाम है अभिमन्यु राज और ये है मेरे बारे में स्लाइड। आप इसको पढ़ के मेरे बारे में जान सकते हैं। और चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है डिबिलिटी। इट मीन्स अ वीकेंड और इनफीबल स्टेट या वीकनेस, मतलब किसी की कमज़ोरी या कमज़ोरी की दशा, स्टेट, तो उसे डेबिलिटी कहते हैं। सिनोनिम्स हैं इनकेपेसिटी या डीक्रेप्टिट्यूड। हिज डेबिलिटीज आउटवेड हिज स्ट्रेंथ्स विच वॉज द रीज़न वाई ही नीडेड अ जॉब सो बैडली। सो कोई इसको बता रीज़न बता रहा है कि इस बंदे को जॉब क्यों चाहिए थी। इसकी जॉब इसको चाहिए थी कि इसकी डेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, आउटवेड मतलब डेबिलिटीज़ ज़्यादा थी, डेबिलिटीज़ का वेट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ्स के वेट के। तो उसके स्ट्रेंथ कम थे, डेबिलिटीज़ वीकनेस ज़्यादा थी। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, डेट्स हों इस पर, तो इसकी वीकनेसेस ज़्यादा थी, तो इसलिए उसको जॉब की ज़रूरत थी। आज का दूसरा वर्ड है एग्जूबरेंट। इट मीन्स एफ्यूजिवली एंड ऑलमोस्ट अनइनहिबिटेडली एंथुजियास्टिक, लैविशली अबंडेंट। या कोई किसी ऐसे एग्जूबरेंट इंसान मतलब एनर्जेटिक इंसान और चेयरफुल इंसान, और ऐसा भी नहीं थोड़ा 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 बहुत एनर्जेटिक, बट एफ्यूजिवली और अनइनहिबिटेडली एंथुजियास्टिक, यानी उतना चेयरफुल, मतलब बहुत खुश इंसान, चेयरफुल इंसान, उसे एग्जूबरेंट इंसान बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर डिजर्व्ड अ फार मोर एग्जूबरेंट वेलकम दैन वॉट ही एक्चुअली गॉट। सो जो किसी कोई लीडर किसी स्टेट या कंट्री में आ रहा होगा, तो उसको जैसा वेलकम मिला, बहुत ही फीका सा वेलकम मिला, वैपिड ब्लैंड वेलकम मिला, इंसिपिड वेलकम मिला। ये सारे वर्ड हमने पिछले लेसन्स में यूज़ किए हुए हैं, आई होप आपको याद हो इनका मीनिंग। और इसीलिए उसको इससे अच्छा, इससे ज़्यादा एग्जूबरेंट वेलकम मिलना चाहिए था, ज़्यादा खुश, ज़्यादा चीयरफुल, ज़्यादा एंथुजियास्टिक वेलकम मिलना चाहिए था। आज का थर्ड वर्ड है मलीफ्लुएस। इट मीन्स स्वीटली और स्मूथली फ्लोइंग या स्वीट साउंडिंग। सो काफ़ी सिंपल वर्ड है, मतलब कोई सुरीली आवाज़ या सुरीली चीज़, उसे मेलीफ्लुएस की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं मेलोडियस या फिर म्यूजिकल। फॉर एग्जांपल, द मेलीफ्लुएस वॉइस ऑफ द बर्ड्स अलॉन्ग विद द वाइब्रेंट फ्लोरल पैटर्न कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ हर गार्डन। सो उसके उसके गार्डन में के की खूबसूरती दो मेजर कारणों की वजह से थी। पहला कारण तो ये कि जो उसकी गार्डन में बर्ड्स थे वो काफ़ी सुरीली आवाज़ में गा रहे थे, और दूसरी बात कि उसके गार्डन में एक वाइब्रेंट, बहुत कलरफुल, विविड फ्लोरल पैटर्न था। ठीक है, उसने फूल जैसे अपने गार्डन लगाए थे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए थे और सुंदर लग रहा था वो। तो ये दो मेन कारण थे, एक सुरीली आवाज़ बर्ड्स की और वाइब्रेंट फ्लोरल पैटर्न। आज का फोर्थ वर्ड है बिलो। इट मीन्स अ ग्रेट वेव और सर्ज ऑफ द सी और एनी सर्जिंग मास। सो जब कोई ऐसी चीज़, कोई मास पूरी बहुत बड़ी लहर की तरह आए, ग्रेट वेव की तरह आए, अचानक से बहुत विशालकाय जैसे होता है ना, वेव की तरह आते हैं, उस चीज़ को बिलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सी के लिए, कोई भी सर्जिंग मास के लिए यूज़ हो सकता है। सिनोनिम्स हैं स्वेल और रोलर। फॉर एग्जाम्पल, बिलोज ऑफ स्मोक कमिंग फ्रॉम द बॉल्केनो कवर्ड द सिटी एंड सम अदर एरियाज अराउंड इट। सो यहाँ पे हम स्मोक के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्मोक के बड़ी बड़ी लहरें बोल सकते हैं, या एक वेव जैसा जो आता है, ये जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, वो उसने पूरी सिटी को कवर कर दिया और उसके आसपास के एरियाज को भी। सो इस तरह आप बिलो यूज़ कर सकते हैं। आज का फिफ्थ वर्ड है मार्टिनेट। इट मीन्स अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनारियन, स्पेशली अ मिलिट्री वन। और सिनोनिम्स हैं अथॉरिटेरियन और स्टिकलर। काफ़ी सिंपल वर्ड, मतलब एक मार्टिनेट वैसा इंसान होता है जो काफ़ी डिसिप्लिन में बिलीव करता है और स्ट्रिक्ट होता है, वैसे इंसान को मार्टिनेट बोलते हैं। सिनोनिम्स ये दोनों हैं, अथॉरिटेरियन और स्टिकलर। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कर्नल इन द आर्मी, जॉन इज अ मार्टिनेट हु बिलीव्स डिसिप्लिन इज द ओनली पार्ट टू सक्सेस। तो जॉन है जो कि आर्मी में कर्नल है, वो उसको वो उसकी वो मानता है कि डिसिप्लिन से ही बंदा सक्सेस पा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बंदे को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस को मान सकता है। सिंस वो उसके ऐसे बिलीव्स हैं, हमने उसको मार्टिनेट कहा है। ठीक है, आज का सिक्स्थ वर्ड है इनट्रांसिजेंट। इट मीन्स रिफ्यूजिंग टू एग्री और कॉम्प्रोमाइज या फिर अनकॉम्प्रोमाइजिंग। सो एक इनट्रांसिजेंट इंसान वैसा इंसान होता है जो आपके बात नहीं मानता है, आप ओबे नहीं करता है, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता है, वैसे इंसान को इनट्रांसिजेंट, इनफ्लेक्सिबल हो या एडमेंट हो। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है ऑब्डुरेट भी कह सकते हैं, स्टबर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़िद्दी इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, द CEO ऑफ दैट कंपनी इज कंसिडर टू बी अ वेरी इनट्रांसिजेंट एंड स्टबर्न पर्सन। मतलब वो किसी की बात नहीं सुनता, उस कंपनी का जो CEO है वो किसी की बात नहीं सुनता, काफ़ी स्टबर्न है, ज़िद्दी है, सिर्फ अपनी चलाता है, इनट्रांसिजेंट है। ठीक है, आज का सेवेंथ वर्ड है पनूरियस। इट मीन पनूरियस या पन्यूरियस, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली पुअर, पुअरली और इनएडिक्युटली सप्लाइड, लैकिंग इन मीन्स और रिसोर्सेज। बहुत ही गरीब
एक पेन्यूरियस लाइफ होती है, एक बहुत ही मतलब गरीब लाइफ जिसमें रिसोर्सेज ना हो और मींस नहीं हो अपने आप को सपोर्ट करने के, वैसी लाइफ को पेन्यूरियस लाइफ या पेन्यूरियस स्टेट कहते हैं। सिनोनिम्स हैं डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री लिव्स अ पेन्यूरियस लाइफ विच लैक्स इवन द बेसिक एम्यूनिटीज़। हमने पेन्यूरियस इसलिए कहा है कि वो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं है उन उस कंट्री की पॉपुलेस के बाद पॉपुलेशन के पास। ठीक है, आज का 8th वर्ड है फिलिस्टीन, या उसको फिलिस्टाइन भी बोल सकते हैं, फिलिस्टिन भी बोल सकते हैं और फिलिस्टीन भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग है वन हु फोकसेस ऑन मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स एंड हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर कल्चर एंड आर्ट। सो एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ मटेरियलिज्म से प्यार हो, उसको सिर्फ इतना दिखता है उसकी मतलब प्रॉफिट क्या, कितना प्रॉफिट मिल सकता है मुझे और कितना लॉस हो सकता है, उसको ये नहीं दिखता है कि आर्ट कितनी सुंदर चीज़ है। मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसको आर्ट वार्ट से प्यार ना हो, उसको अपने पैसे से मतलब है, उसको अपने गेन से मतलब है। सिनोनिम्स है वल्गैरियन और लोब्रो। फॉर एग्जाम्पल जैक इज़ अ फिलिस्टीन हु अननोइंगली सोल्ड अ सेट ऑफ एंशियंट बुक्स वैल्यूड एट ओवर $100,000 फॉर 20 bucks। अब से अगर जैक को आर्ट की नॉलेज होती तो उसको पता होता कि ये सारी बुक्स $100,000 की हैं, बट सिंस उसको आर्ट की नॉलेज नहीं थी, उसको आर्ट से भी प्यार नहीं था, उसको सिर्फ दिखा कि हाँ 20 bucks मिल रहे हैं, $20 मिल रहे हैं, तो चलो इसी को लेके खुश हो जाओ। ठीक है, आज का फॉरेन कनेक्ट का वर्ड है कॉनवीव। इसको कॉनवाइव भी बोल सकते हैं, बट जो करेक्ट एक्चुअल प्रोनंसिएशन है वो कॉनवीव है। ऐसा नहीं है कि आप कॉनवाइव बोलेंगे तो गलत होगा, बट सिंस इसके रूट को अगर हम ध्यान रख के प्रोनाउंस करें तो ये कॉनवीव कहलाता है। इसका मीनिंग है एन ईटिंग और ड्रिंकिंग कंपेनियन, फेलो डाइनर और ड्रिंकर। सो जो आपके साथ में कुछ कोई खाने वाला या आपके साथ में पीने वाला आपका कंपेनियन, उसे कॉनवीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज कॉनवीव केम टू लेट फॉर द डिनर विच मेड हिम इवन मोर अपसेट। सो हम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले काफ़ी अपसेट था, इसलिए उसने सोचा चलो आज बाहर खाते हैं अपने दोस्त के साथ, बट उसका दोस्त बहुत लेट डिनर के लिए बहुत लेट आया और उस इस बात को लेके वो और अपसेट हो गया। सो उसके दोस्त, वो अपने दोस्त के साथ खाने पीने वाला था तो उसके दोस्त को हमने कॉनवीव कहा है। देखो ठीक है, आज का लास्ट वर्ड है सिनिस्टर। इट मीन्स थ्रेटनिंग और पोटेंडिंग ईविल हार्म और ट्रबल, ओमिनस या ईविल। तो सिनिस्टर प्लान्स काफ़ी सुना होगा आपने, सिनिस्टर प्लान्स मतलब ईविल प्लान्स, आपको हार्मफुल प्लान्स आपके लिए या किसी के लिए भी हार्मफुल या ट्रबलसम प्लान्स जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, वैसे प्लान्स को सिनिस्टर प्लान्स या सिनिस्टर डीड्स कह सकते हैं। तो आपको इससे सेंटेंस बनाना है। लेट्स मूव ऑन टू द कोट ऑफ द डे। आज का कोट हेलेन केलर का है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। सो आपको हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके, सबका पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बिना होप और बिना कॉन्फिडेंस के आप कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर देंगे, अपना होप ही लूज़ कर देंगे, तो रास्ते बहुत ही कठिन हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी अपना होप मत लूज़ करना, कभी कॉन्फिडेंस मत लूज़ करना और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। और इन केस आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, इतना ही पॉजिटिव लगा हो, तो प्लीज़ पॉजिटिव रिव्यूज़ पॉजिटिव और रिकमेंडेशंस और पॉजिटिव रेटिंग दीजिएगा। और आपको लगता है किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जिसके लिए ये लेसन यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ 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 उनके साथ शेयर करिएगा।